हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वसीम आय खान असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी महाराष्ट्र इंडिया तो आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ टॉट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है विकारियस लायबिलिटी और इस लेक्चर में हम विकारियस लायबिलिटी का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन मीनिंग और इस प्रिंसिपल का बेसिस क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को मीनिंग एंड बेसिस ऑफ विकारियस लाइबिलिटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअल में विकारियस लाइबिलिटी क्या है कि नॉर्मली होता क्या है कि जो पर्सन टॉर्ट करेगा जो पर्सन का रॉन्गफुल एक्ट रहेगा वही पर्सन लाइबल होता है टॉर्ट में सपोज अगर मैंने किसी के लीगल राइट right का उल्लंघन किया तो मैं लाइबल किसी और ने किसी के लीगल राइट right का उल्लंघन किया उसके लिए मैं लायबल नहीं हो सकता फॉर एग्जाम्पल मैंने रॉन्गफुल एक्ट किया मेरे एक्ट के लिए मैं ही लायबल रहूंगा कोई और लायबल नहीं रहेगा ये जनरल रूल है लेकिन विकारियस लायबिलिटी उसको एक्सेप्शन है कि जहां पर टॉट कोई और करता है और लायबल कोई और होता है उसी का मीनिंग और विकारियस लायबिलिटी का बेस क्या है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सो जनरली अ मैन इज लाइबल फॉर द कमिटेड बाय हिम जनरल रूल क्या है कि पर्सन लाइबल कब रहेगा अगर उसने रॉन्ग किया तो अगर मैंने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया तो मैं लाइबल है ना कोई और लाइबल नहीं होगा नॉर्मली मेरे रॉन्गफुल एक्ट के लिए मैं ही लाइबल होंगे कोई और लाइबल नहीं रहेगा बट देर आर विच वन लेकिन कुछ सरकम ऐसे होते हैं जहां पर एक पर्सन दूसरे के टॉट के लिए लाइबल रहता है सपोज मैं लाइबल रहूंगा लेकिन टॉट किसी और ने किया हुआ होगा तो वो सिचुएशन क्या होगी वो क्या प्रिंसिपल है वही विकारियस लायबिलिटी है कि टॉट कोई और कर रहा है और लायबल मैं हो रहा हूं क्योंकि मेरे और उस पर्सन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के बेस पर मैं लायबल हो रहा हूं अब देखिए मीनिंग ऑफ विकारियस लायबिलिटी क्या है वेबस्टर डिक्शनरी द टर्म विकर मीन द पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अनदर और सब्सटीट्यूट विकर का मतलब वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से क्या है अ पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अनदर एक पर्सन जो किसी और के काम कर रहा है और जिसको हम सब्सटीट्यूट कहते हैं जो मैं कर रहा हूं वो किसी और का काम कर रहा हूं या मेरे लिए कोई और काम कर रहा है तो इसको बोलेंगे कि परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अनदर पर्सन जब किसी और के लिए काम कर रहा है उसी को हम विकर कहते हैं कार लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी विच इज इनकर्ड फॉर और इंस्टीड ऑफ अनदर और विकारेस लाइबिलिटी का मतलब क्या है लाइबिलिटी जो किसी और के बदले में लाइबल हो रही है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नौकर मेरा काम करते हुए अगर कोई टॉट करेगा तो उसके लिए मैं लाइबल रहूंगा अगर मैं प्रिंसिपल हूं मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है वो एजेंट मेरा काम कर रहा है और मेरा काम करते हुए वो एजेंट कोई टॉट करेगा तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी को यही लाइबिलिटी को विकारियस लाइबिलिटी कहा जाता है मतलब टॉट मेरा सर्वेंट कर रहा है टॉट मेरा एजेंट कर रहा है टॉट मेरा पार्टनर कर रहा है लेकिन उसके टॉट के लिए मैं लायबल रहूंगा और जब मेरी लायबिलिटी कोर्ट फिक्स करता है तो वो लायबिलिटी फिक्स करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है विकारियस लायबिलिटी का इसका मतलब ये हो रहा है कि एक के टॉट के लिए दूसरा पर्सन लाइबल हो रहा है जनरल रूल क्या है जो टॉट करेगा वही लाइबल होगा अब बेसिस ऑफ विकारियस लाइबिलिटी क्या है कि कौन से प्रिंसिपल पे विकारियस लायबिलिटी बेस्ड है देखिए ओल्ड व्यू बेस्ड ऑन टू मैगजीन दो मैगजीन पे ओल्ड व्यू था विकारियस लायबिलिटी का बेस्ड फर्स्ट मैगजीन लैटिन मैगजीन है क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है देखिए अ पर्सन हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ के इस मैगजीन का मतलब ये है कि अ पर्सन हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर अगर मैं किसी और से मेरा काम करवा कर ले रहा हूं तो लॉ के नजर में वो एक्ट मैंने ही किया ऐसा ट्रीट होगा डेफिनेटली सर्वंट के जरिए मैं मेरा काम करा रहा हूं एजेंट के जरिए मैं मेरा काम करा रहा हूं तो लॉ के नजर में वो काम मैं खुद ही कर रहा हूं ऐसा डिसाइड होगा इसीलिए अगर सर्वेंट मेरा काम करते हुए कोई टॉट करेगा तो लाइबिलिटी मेरी एजेंट मेरा काम करते हुए कोई टॉट करेगा तो लाइबिलिटी मेरी ये क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से का प्रिंसिपल है अ पर्सन हु गेट्स हिज वर्क डन थ्रू अनदर इज लाइबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम अगर मैं मेरा काम किसी से करवा रहा हूं तो उसके सारे consequences के लिए liable मैं उस दौरान मेरा काम करते हुए अगर वो कोई किसी के लीगल राइट right का उल्लंघन करता है किसी को नुकसान पहुंचाता है तो लाइबिलिटी मेरी होगी क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है इसी को विकारियस लाइबिलिटी कहा जाता है दूसरी मैगजीम जिसपे ओल्ड व्यू बेस्ड है वो रेस्पॉन्डेंट सुपीरियर लेट द मास्टर बी लायबल तो सर्वेंट और मास्टर है जो सर्वेंट कर रहा है सर्वेंट मास्टर के बेनिफिट के लिए कर रहा है इसीलिए सर्वेंट मास्टर का काम करते हुए कोई टॉट करेगा तो िटी मास्टर की होगी यही कहता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द मास्टर, मास्टर को ही लाइबल दी, का का रहा है बेनिफिट, जो काम कर रहा है, उसका बेनिफिट मास्टर को जा रहा है तो लाइबिलिटी भी मास्टर की ही होगी तो ये ओल्ड व्यू था मॉडर्न व्यू क्या है देखिए कि मॉडर्न व्यू जस्टिस फ्रेडरिक पोलॉक ही आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ माई सर्वेंट और एजेंट मैं रिस्पॉन्सिबल हूं मेरे सर्वेंट और एजेंट के काम के लिए क्यों बिकॉज ही डज माई एक्ट क्यों वो क्यों क्यों मेरा काम कर रहा है एंड देर फोर इट इज माई ड्यूटी टू सी दैट ही मस्ट डू माई एक्ट कीपिंग इन व्यूथ द सिक्यूरिटी ऑफ अन अदर है ना मेरे सर्वेंट और एजेंट के लिए लायबल में क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है और क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है इसलिए मेरी ड्यूटी क्या है कि ये देखें कि मेरा सर्वेंट जो मेरा काम कर रहा है वो काम करते हुए किसी और को नुकसान ना पहुंचाए दूसरों के सिक्योरिटी का वो ध्यान रखे अगर वो नहीं रखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी वो इसलिए क्योंकि सर्वेंट मेरा काम कर रहा है तो उसके रॉन्गफुल एक्ट के के लिए लिए मैं लायबल रहूंगा मैंने सर्वेंट को एक काम करने के लिए दिया तो मेरी ड्यूटी क्या है कि सर्वेंट ये मैं ध्यान रखूं कि सर्वेंट जो काम कर रहा है वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए ध्यान रखने की ड्यूटी मेरी है और अगर नुकसान पहुंचाएगा तो लाइबिलिटी मेरी है क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है तो मैं मास्टर हूं लाइबिलिटी रहेगी विकारियस लाइबिलिटी ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो इसके बाद का जो पॉइंट है वो है इसेंशियल ऑफ विकारियस लाइबिलिटी इस लेक्चर में सिर्फ हम इतने उसके बेसिस और मीनिंग डिस्कस किए है नेक्स्ट लेक्चर में हम विकारियस लाइबिलिटी के इसेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसेंशियल है अगर किसी मास्टर को लाइबल ठहराने का है उसके सर्वेंट के टॉट के लिए तो क्या क्या इसेंशियल प्रूफ करना होगा प्लेन टिप को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा और समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच